टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर खत्म हो गया है और इसके साथ ही विराट कोहली ने भी कप्तान के तौर पर अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला। विराट ने नामीबिया के खिलाफ मिली 9 विकेट से जीत के बाद बताया कि उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला क्यों लिया। टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही विराट ने ऐलान कर दिया था कि इस ICC इवेंट के बाद वो इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने हुए हैं। विराट ने कहा कि भारत की कप्तानी करना गर्व की बात है और उन्हें लगा कि उनके वर्कलोड को मैनेज करने का ये सही समय था। तो देखिए ये वीडियो। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने सोमवार को अपना आखिरी मैच खेला और नामीबिया के खिलाफ जीत हासिल की। विराट कोहली का टी20 फॉर्मेट में बतौर कप्तान ये आखिरी मैच था जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है। भारतीय टीम ने भले ही टी20 वर्ल्ड कप ना जीता हो, लेकिन इस पल पर विराट कोहली के फैंस काफ़ी भावुक भी नजर आए। नामीबिया के खिलाफ मैच जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट को सही करने का यही वक्त था। हमने पिछले 6-7 साल में बेहतरीन काम किया है। भले ही इस वर्ल्ड कप में ना जीते हों, लेकिन टीम के इस ग्रुप ने शानदार काम किया है और एक दूसरे का साथ दिया है। जिस तरह से हमने आखिरी 3 मैच खेले हैं वो शानदार रहे और हम वैसे ही खेलते हैं। विराट ने मैच के बाद कहा, कप्तानी करना अच्छी जिम्मेदारी थी। एक टीम के रूप में हमने अच्छा प्रदर्शन किया। भले ही हम इस वर्ल्ड कप में आगे नहीं जीत पाए, जिस तरह से हमने पिछले 3 मैच खेले हैं वो पॉजिटिव बात रही है। हम टॉस का बहाना देने वाली टीम नहीं है। पहले 2 मैचों में हम निडर नहीं थे। हेड कोच रवि शास्त्री और बाकी सपोर्ट स्टाफ को धन्यवाद देते हुए विराट ने कहा, मैं सभी कोच का धन्यवाद करता हूं। हम सभी खिलाड़ियों की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अगर मैं जोश के साथ नहीं खेल पाऊंगा तो मैं क्रिकेट खेलना ही छोड़ दूंगा। मैं हमेशा अपना 120% देने की कोशिश करता हूं। मुझे लगा कि सूर्य कुमार यादव को ज़्यादा मौके नहीं मिले तो वर्ल्ड कप की अच्छी यादें बटोरने का मौका दिया हमने। तो चलिए आपको भारत के सबसे सफल कप्तानों के बारे में बताते हैं। टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 72 मैच खेले हैं और जिसमें 41 मैचों में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीत हासिल हुई, 28 बार हार भी मिली। विराट कोहली ने 50 मैच बतौर कप्तान खेले हैं जिसमें से 30 मैच उन्होंने जीते हैं और 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं रोहित शर्मा 19 मैच उन्होंने खेले जिसमें से 15 मैच में उनको जीत हासिल हुई जबकि 4 में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी शुरुआत बेहतर नहीं की थी और इसी वजह से आज उसे वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की करारी हार हुई और दशकों से चला आ रहा सिलसिला टूट गया। विराट कोहली किसी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने भी बड़े अंतर से हराया, जिसके बाद वर्ल्ड कप में वापसी मुश्किल हो गई। चलिए अब आपको टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम का सफ़र कैसा रहा बताते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम का सफ़र, पहला मैच पाकिस्तान से जिसमें 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से भारत को हार मिली। तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जिसमें 66 रनों से भारत को जीत हासिल हुई। चौथा मैच स्कॉटलैंड के साथ हुआ जिसमें 8 विकेट से भारत को जीत मिली। पांचवा और आखिरी मैच नामीबिया के साथ खेला जिसमें 9 विकेट से भारत को जीत हासिल हुई। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को पहले 2 मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी और इन 2 मैचों में हार के बाद ही टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह बेहद मुश्किल हो गई थी। न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के साथ ही भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया था। भारत टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार नॉकआउट से पहले टूर्नामेंट से आउट हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने सोमवार को अपना आखिरी मैच खेला और नामीबिया को 9 विकेट से हराकर अपने टी20 वर्ल्ड कप के अभियान को जीत के साथ खत्म किया।